She's been dancing since she was like really little, so um, she has moved. To, she's moved back to India from abroad, and um, the reason you'll see in the film. And um, yeah, she's very passionate. She's ambitious, and uh, you you see a journey through the film. And um, yeah, you, you see how she's. You know how people at one point get stuck and they're wondering what, what is going on in life. Uh, she hits that point and. लेकिन कुछ आपने फेस भी किया पहली बार ही तो अब आपकी फिल्म इस फ्राइडे रिलीज भी हो रही है तो क्या आपको क्या लगता है की जो प्रमोशन के लिए टाइम इतना कम मिला है तो उसकी वजह से फिल्म पर कोई इफेक्ट पड़ेगा उसका रिलीज हुआ और हम सब जानते हैं कि म्यूजिक इतनी मायने रखता है यू नो एक बॉलीवुड फिल्म की मार्केटिंग के लिए तो मेरे पास सिर्फ पाँच दिन ही मिले हैं इन टोटल रेडियो प्ले के लिए मुझे अभी पता चला है कि आई पे फाइनली म्यूज़िक लॉन्च हो चुका है लेकिन अगर आप सर्च करें तो आपको दिखेगा फ्रंट पेज पे नहीं दिखता है पर कम से कम आ तो गया है तो वहां पे शायद कुछ असर पड़ा होगा या नहीं होगा मैं श्योरली कह नहीं सकता हूं आपको वो तो फ्राइडे को मालूम पड़ेगा मुझे uh, मैंने एक स्टैंड जरूर लिया है आई थिंक uh, uh, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था एज अ प्रोड्यूसर मैं uh, एक मुद्दे के बीच में फंस गया था मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता भी दिया और अपना स्टैंड भी लिया उसका फ़ायदा ही हुआ है जितना सपोर्ट मुझे पूरी इंडस्ट्री से मिला है मतलब कि म्यूजिशियन से रेडियो uh, स्टेशन वाले जो हैं टीवी चैनल्स वाले हैं जिनका Uh, जिन्होंने मुझे सपोर्ट दिया वो इंस्पिरेशन मिली तो कुछ ना कुछ अच्छा तो निकला ही है उससे अम um.